फ्रेंड्स, कंपटीशन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रैखिक बहुपदों का शून्य ज्ञात करना सीखेंगे तथा शेषफल प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए पहले रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना सीखते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। स्थितियां दी गई हैं, प्रत्येक स्थिति में हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी रैखिक बहुपद का, एक चर वाले रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, मानक रूप कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, इसकी चर्चा हमने की थी। एक्स प्लस बी यह रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। यहां ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए का मान जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। यहां चर एक्स है, एक्स का घात एक है, अगर ए बराबर जीरो हो जाएगा तो यह रैखिक बहुपद नहीं होगा, इसलिए ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी जो आए हैं, ए और बी के जगह पर कोई वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, जहां ए बराबर नहीं है जीरो तथा ए बी वास्तविक संख्याएं हैं। मान लीजिए कि एक बहुपद है पी एक्स, एक बहुपद है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है। एक बहुपद पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी है, जहां ए बराबर नहीं है जीरो तथा ए भी वास्तविक संख्या है। तो कहा जाए कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, किसी भी बहुपद का शून्यक, किसी भी बहुपद का शून्यक उस बहुपद समीकरण का हल होता है, अर्थात किसी भी बहुपद पी एक्स का शून्यक बहुपद समीकरण पी एक्स बराबर जीरो का हल होता है। किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो, मान लीजिए बहुपद पी एक्स है, इसका शून्य ज्ञात करना है, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुपद पी एक्स का शून्य बहुपद समीकरण पी एक्स बराबर जीरो का हल होगा। हमने चर्चा की थी कि ए एक्स प्लस बी बहुपद है और बराबर जीरो कर दिया जाए तो यह समीकरण हो जाएगा। यह रैखिक बहुपद था पहले, एक्स प्लस बी रैखिक बहुपद था, लेकिन एक्स प्लस बी बराबर जीरो यह अब रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। तो बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने का अर्थ हुआ कि बहुपद समीकरण पी एक्स बराबर जीरो का हल करना, अर्थात एक्स प्लस बी बराबर जीरो मानना, एक्स प्लस बी बराबर जीरो मानकर हल करना, अर्थात अज्ञात का मान ज्ञात करना। यहां चर एक्स है, एक्स का मान ज्ञात करना ही इस बहुपद समीकरण का हल करना कहलाएगा। तो किसी बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने का अर्थ होता है उस बहुपद समीकरण पी एक्स बराबर जीरो का हल ज्ञात करना। तो हम पी एक्स बराबर जीरो है तो पी एक्स का मान रखेंगे कितना, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, या ए एक्स बी जो रहा है तो घटाएगा, जीरो माइनस बी हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर होगा माइनस बी बटा ए। तो हमने यहां रैखिक बहुपद का मानक रूप लिखा है, व्यापक रूप लिखा है। तो व्यापक रूप के अनुसार हमने शून्य निकाला, उसने क्या आया,
माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए वह मान है जो इस बहुपद को शून्य कर देगा, इस बहुपद को शून्य बना देगा। जो बहुपद को शून्य बना दे वही बहुपद का शून्य कहलाता है या शून्य कहलाता है, इसको शून्यांक भी कहा जाता है। तो शून्य एक्स क्या है, शून्य है, तो शून्य बराबर क्या हुआ, शून्य बराबर माइनस बी क्या है, यहां यहां बी क्या है, अचर पद है, बी क्या है अचर पद है, बी बराबर शून्य बराबर माइनस अचर पद बटा ए, ए क्या है, ए क्या है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, तो माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। शून्य रैखिक बहुपद का शून्य होता है माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक चर वाले रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होती है। फिर हम आगे द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना सीखेंगे, त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे, लेकिन अभी हम केवल रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो इस तरह से हम रैखिक बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं। कोई भी रैखिक बहुपद दिया गया है या कोई भी बहुपद दिया गया है, पहले आप उस बहुपद को लिख दीजिए, उसके बाद उसको जीरो मान लीजिए। ए एक्स प्लस बी बराबर कितना मान लीजिए, जीरो, और ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो का हल कर दीजिए, अर्थात एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आप हल करना सीखे हैं, पिछले वीडियो में हल करने की चर्चा हमने की थी। तो आप जिसका शून्य ज्ञात करना है उसको जीरो मानिए और जीरो मानकर हल कर दीजिए, चर का मान ज्ञात कर कीजिए, वही चर का जो मान होगा वही शून्य कहलाएगा। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहां बहुपद दिया गया है, हमें शून्य ज्ञात करना है। यहां बहुपद दिया है, दिया गया बहुपद लिखिए या केवल पीएक्स लिख दीजिए। यहां पीएक्स बराबर कितना है, एक्स माइनस पांच है। यहां बहुपद पीएक्स दिया है एक्स माइनस पांच, हमने लिखा यहां पीएक्स बराबर एक्स माइनस पांच। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, अर्थात x के जगह पर कौन सी संख्या होगी जो इस बहुपद को शून्य बना देगी, शून्य कर देगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि अब px बराबर जीरो, अभी बताया गया है कि जीरो क्यों होता है। px बराबर जीरो हमने क्यों लिखा, किसी बहुपद px का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद समीकरण px बराबर जीरो का हल करते हैं। तो px बराबर जीरो लिखा, अब px का जो वैल्यू है उसे रखिए, px का मान कितना दिया है x माइनस पांच, एक्स माइनस पांच रख दीजिए, x माइनस पांच बराबर जीरो, या x का मान ज्ञात करना है, हल करना है, x बराबर जीरो, पांच घटा रहा है उधर जाएगा तो जोड़ेगा, इसलिए x बराबर कितना हो गया, जीरो प्लस पांच पांच हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, पांच होगा, अतः बहुपद का शून्य बराबर क्या होगा, पांच। एक्स और पांच भी आप आंसर लिख सकते हैं, अतः बहुपद का शून्य कितना है, पांच है। अब ये पांच क्या है, तो पांच यहां अगर आप रखिएगा तो यह बहुपद शून्य बन जाएगा, पांच घटा पांच बराबर जीरो। एक और देख रहे हैं, इस तरह आप दूसरा ही बना सकते हैं, तीसरा ही बना सकते हैं। तीसरा में देखिए यहां दिया है कि px बराबर ax और कह रहा है कि a बराबर नहीं है जीरो, अर्थात यहां a का मान जीरो नहीं होगा। आप जानते हैं कि a जब जीरो हो जाएगा तो यह रैखिक बहुपद नहीं हो पाएगा, ax में यहां जीरो हो जाए तो यह रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो मान लीजिए तीसरा बनाना है हमको, तो कैसे बनाएंगे, यहां बहुपद दिया है px बराबर कितना है, ax। सवाल बनाने में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन यह जरूरी शर्त है, यह बता रहा है कि a का मान जीरो नहीं होना चाहिए,
उसी तरह यहां है p बराबर नहीं जीरो, अर्थात यहां p का मान जीरो नहीं होगा। एक q जीरो हो सकता है लेकिन p का मान जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो होने पर यहां x गायब हो जाएगा, अर्थात यह रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। और कह रहा है कि पी क्यू वास्तविक संख्या है, अर्थात यहाँ पी और क्यू का मान जो आएगा वो वास्तविक संख्या आएगा, वास्तविक संख्या आएगी, अर्थात परिमेय संख्या आएगी, नहीं तो अपरिमेय संख्या आएगी। तो यहाँ पी एक्स दिया है एक, हाँ पी एक्स बराबर कितना होगा? जीरो होगा। अभी आप पढ़े हैं पी एक्स मतलब पी एक्स का मान एक्स बराबर जीरो, हमें किसका मान निकालना है? एक्स का। एक्स बराबर होगा जीरो बटा ए गुना करा, इधर तो भाग करेगा, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा? जीरो बटा जीरो, में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल जीरो आता है। तो यही एक्स बराबर जीरो क्या आ गया, अतः लिखेंगे अतः बहुपद का शून्य बराबर शून्य है, अतः बहुपद का शून्य शून्य है। यहाँ एक्स के ऊपर शून्य रखेंगे तो यह बहुपद क्या बन जाएगा? शून्य बन जाएगा। तो इस तरह आप बना लीजिए। फिर हम सातवां देख रहे हैं, यहां पी एक्स दिया है पी एक्स प्लस क्यू, और पी एक्स बराबर कितना लिखेंगे? जीरो। पी एक्स मतलब पी एक्स का मान, पी एक्स प्लस पी एक्स का मान दिया है पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो, या पी एक्स बराबर क्यू जो उधर दिया तो घटाएगा जीरो माइनस क्यू, या पी एक्स बराबर कितना होगा? जीरो माइनस क्यू, जीरो माइनस कुछ नहीं तो क्या बचेगा? माइनस क्यू, इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बटा पी। तो बहुपद का शून्य क्या होगा? माइनस क्यू बटा पी होगा। इसका मतलब आप जानते हैं कि पी एक्स जो क्यू में x के जगह पर हम माइनस क्यू बटा पी रखें यह बहुपद शून्य होगा, यह बहुपद को शून्य कर देगा, इसलिए शून्य है। कैसे? देखिए पी एक्स दिया है पी एक्स जो क्यू बराबर पी, एक्स का वैल्यू है माइनस क्यू बटा पी जो क्यू, पी कट जाएगा माइनस क्यू जो क्यू, क्यू प्लस क्यू माइनस कट जाएगी। तो जो भी शून्य होगा वह अपने बहुपद को शून्य कर देगा, जिस बहुपद का वह शून्य है उस बहुपद को शून्य कर देगा। तो इस तरह हम रैखिक बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो आप उसका शून्य इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए अब हम शेषफल प्रमेय की चर्चा करते हैं। अब शेषफल प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, पहले इन्हें देखते हैं। शेषफल प्रमेय को अंग्रेजी में रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। बहुपद पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल बराबर पी ए। कोई बहुपद पी एक्स हो उसको एक्स माइनस ए से भाग देने पर, जिसे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है। तो बहुपद पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल पी ए होगा। यह पी ए कहां से आया? देखिए एक्स माइनस ए से भाग दिया जा रहा है, एक्स माइनस ए बराबर जीरो, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस होगा जीरो, जीरो प्लस ए हो जाएगा। तो पी एक्स में एक्स के बदले में हमने क्या लिखा? ए लिखा, वही शेषफल पी ए होगा। अगर मान लीजिए कि एक्स माइनस दो से भाग दिया जाए, बहुपद पी एक्स को एक्स माइनस दो से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि पी टू होगा, अर्थात एक्स के बाद जो अचर है वह चिन्ह उल्टा करके x के बदले में लिख दिया जाएगा, अर्थात x के बाद माइनस ए है तो x के बदले में क्या लिखा गया? प्लस ए लिखा गया। इसी तरह दूसरा बहुपद पी एक्स को x प्लस ए से भाग देने पर शेषफल बराबर p माइनस ए। यहां भी वही बात है, x के बाद क्या है? प्लस ए है तो x के बदले में क्या लिखा गया? माइनस ए। यह कैसे आया? x प्लस ए बराबर जीरो, इसलिए x बराबर क्या होगा? माइनस ए। अब कह रहा है कि बहुपद पी एक्स को ए एक्स प्लस बी से भाग देने पर शेषफल, देखिए प्लस बी है एक्स के बाद प्लस बी है तो माइनस बी किया गया, और ए गुना कर रहा है तो भाग कर रहा है तो माइनस बी बटे हो गया। ये कैसे हुआ? ए एक्स प्लस बी
चूंकि एक्स प्लस बी बराबर जीरो, इसलिए या एक्स बराबर जीरो माइनस बी हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए। बहुपद px को ax माइनस बी से भाग देने पर शेष पद x के बाद क्या है माइनस बी है, तो प्लस बी हो गया, a गुना कर रहे थे। तो इसी चारों आधार पर हम सवाल बनाएंगे, सारे सवाल इसी आधार पर होंगे, आप आसानी से बना सकते हैं। x के बाद x का गुणांक नहीं है, x के बाद जो पद है उसका चिन्ह उल्टा करके लिख देना है, x के जगह पर माइनस ए है तो प्लस ए, प्लस ए है तो माइनस ए, अगर x का गुणांक है तो वह बटा के नीचे चला जाएगा, और x के बाद जो पद है प्लस में है तो माइनस, माइनस में तो प्लस, इस तरह से इस पद को हम निकाल सकते हैं। एक उदाहरण है बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को एक्स माइनस वन से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करना है, किससे विभाजित करना है, एक्स माइनस वन से, एक्स माइनस वन से विभाजित करना है, अर्थात भाजक है एक्स माइनस वन, तो शेषफल क्या होगा आप जानते हैं, एक्स के बाद क्या है माइनस एक है तो क्या होगा एक्स का मान कितना हो जाएगा प्लस एक, तो शेषफल का संकेत होगा पी वन, शेषफल का संकेत क्या होगा पी वन। अगर मान लीजिए कि यहां रहता एक्स प्लस वन रहता तो शेषफल क्या होता है पी माइनस वन, एक्स माइनस फोर रहता एक्स फोर, एक्स प्लस थ्री रहता तो पी माइनस थ्री हो जाता, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, हमें शेषफल निकालना है कर लेंगे शेषफल पढ़ने से पाल, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल बराबर कितना हो जाएगा x माइनस वन है तो p वन हो जाएगा, शेषफल का संकेत हो जाएगा p वन, अब p वन कर दिया गया, p x के बदला में वन, तो जहां जहां x है वहां वहां वन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक का पावर चार हो जाएगा माइनस तीन गुना एक का पावर दो हो जाएगा प्लस दो गुना एक प्लस, क्या हो जाएगा एक का पावर चार आप जानते हैं क्या होता है एक होता है माइनस तीन गुना एक का स्क्वायर एक प्लस दो गुना एक दो जोड़ एक हो जाएगा एक माइनस तीन जोड़ दो जोड़ एक, क्या होगा एक प्लस है दो प्लस है और एक प्लस है एक और दो तीन एक चार, चार माइनस तीन बराबर एक, इसीलिए शेषफल बराबर या अभिष्ट शेषफल बराबर लिख दीजिए, चलिए अभिष्ट शेषफल बराबर एक, यही उत्तर तो शेषफल ज्ञात करना था, समान कितना है एक आए। इस तरह से आप कहीं भी शेषफल ज्ञात करने के लिए कहें आप शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं शेषफल प्रमेय से संबंधित, इन्हें समझते हैं। y का पावर चार है माइनस थ्री वाई स्क्वायर है प्लस टू वाई प्लस वन को y माइनस वन से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करना है, यहां py करके नहीं दिया है बहुपद पीवाई करके नहीं दिया, तो आप लिख दीजिए कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिए पहला पहला है यहां पी एक्स बराबर पीवाई लिखेंगे जो पीवाई के रूप में बहुपद है, पीवाई लिखेंगे बहुपद, इसके पहले जो हम उदाहरण बताए थे उसमें पी एक्स करके दिया था, यहां वाई के रूप में बहुपद है तो इसे पी एक्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे पीवाई कहेंगे, पीवाई बराबर कितना वाई का पावर चार है माइनस तीन वाई का पावर दो प्लस दो वाई प्लस एक, भाग किससे देना है वाई माइनस एक से, एक्स के रूप में होगा तो एक्स रहेगा, वाई के रूप में है तो वाई है, तो वाई के बाय क्या है माइनस एक है, तो शेषफल क्या होगा
पी वन हो जाएगा। पी वाई के जगह पर मान क्या रखेंगे हम, माइनस एक है तो प्लस एक रखेंगे, तो लिखेंगे शेषफल करने से प्रमेय से क्या, शेषफल बराबर शेषफल का संकेत क्या हो जाएगा, P माइनस एक है तो P एक हो जाएगा बराबर, जहां जहां आई है वहां वहां आप एक कर दीजिए, एक का पावर चार हो जाएगा, घटा माइनस तीन गुना एक जोड़ टू आई प्लस एक टू आई दोगुना वाई का मान रखना है, क्या है शेषफल बराबर पी वन बराबर एक का पावर चार घटाओ तीन वाई स्क्वायर है तो तीन गुना वाई का पावर मान रखना है जो दो गुना एक जो एक। हमने क्या किया पी वाई पी एक किया, एक कहां से आया y माइनस एक है, y के बगल में माइनस एक है तो प्लस रख दिया गया, y के बदला में y के बाद जो संख्या होती है उसका उल्टा चिन्ह रखते हैं, तो p1 बराबर x के रूप में होगा तो x के बगल में, y के रूप में तो y के बगल में, y के बगल में एक का पावर चार एक गुना एक गुना एक गुना एक एक होगा माइनस तीन गुना एक स्क्वायर एक होगा, तो तीन में एक से गुना कीजिएगा तो तीन प्लस दो में एक से गुना कीजिएगा तो दो प्लस एक प्लस को जोड़िए, एक प्लस है दो प्लस है और एक प्लस है तो एक और दो तीन और एक चार चार घटा तीन बराबर एक, यही हो गया शेषफल। तो अभी शेषफल बराबर लिख दीजिए, यही तरह रहने दीजिए, इस तरह भी रहने दीजिए, यही आंसर हो गया। इस तरह आप इसको x प्लस टू से भाग देना है तो इसको पी एक्स बराबर इतना लिख दीजिए, पी माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू करके बना दीजिए। अब यहां एक सवाल है, यदि बहुपद पी एक्स को, यदि बहुपद पी एक्स के लिए एक बहुपद है पी एक्स, उसके लिए पी माइनस एक का मान तीन दिया है, पी माइनस एक का मान तीन दिया है तो बहुपद पी एक्स को एक्स प्लस एक से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, बहुपद पी एक्स है, बहुपद का केवल नाम दिया है पी एक्स और उसको भाग देना है एक्स प्लस एक से, तो शेषफल क्या होगा, पी माइनस वन होगा, तो पी माइनस वन का मान डायरेक्ट दे दिया है तीन, तो पी माइनस वन का मान क्या होगा, तीन हो जाएगा। बहुपद पी एक्स दिया है, पी एक्स बराबर करके नहीं दिया है, केवल बहुपद का नाम दिया है पी एक्स और उसको एक्स प्लस एक से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्या होगा, पी माइनस वन, तो पी माइनस वन शेषफल होगा, तो पी माइनस वन का मान यहां दे दिया है तीन, तो डायरेक्ट लिख देंगे पी माइनस वन का मान तीन हो जाएगा, यहां एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, दो प्रश्न है इसमें चार का ए और चार का बी, तो चार का ए आप बनाइएगा तो लिखिएगा पी एक्स बराबर इतना, फिर शेषफल बराबर पी वन, पी माइनस वन हो जाएगा, पी प्लस वन है तो माइनस वन हो जाएगा, पी माइनस वन बराबर सब जगह एक्स कर दिया माइनस वन करके बना दीजिए, फिर दूसरा जब बनाएंगे बी नंबर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर पी एक बटा दो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, पी एक बटा दो, अब जहां जहां है एक्स है वहां एक बटा दो रखकर मान निकाल दीजिए, इस तरह पांचवा है, छठा भी इसी तरह है, सातवां है एक्स माइनस ए से भाग देना है, सातवां कह रहा है कि एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, हमें शेषफल ज्ञात करना है कब, जब भाग दिया जा रहा है एक्स माइनस ए से, तो आइए देखते हैं इसे। आठवां भी आप बना लीजिएगा, x माइनस वन है तो पी एक्स बराबर इतना लिखिएगा, शेषफल हो जाएगा पी वन, पी वन बराबर जहां जहां एक्स है वहां वहां वन कर दीजिए, इस तरह शेषफल ज्ञात कर दीजिए। तो हम सातवां समझा दे रहे हैं क्योंकि x माइनस ए से भाग दिया जा रहा है, सातवां है इसे बना रहे हैं, बहुपद का नाम दे देंगे पी एक्स बराबर कितना, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए को भाग देना किससे, एक्स माइनस ए से, तो शेषफल प्रमेय से लिख दीजिए, शेषफल प्रमेय से, जहां शेषफल निकालना है वहां शेषफल प्रमेय लगेगा, जहां शेषफल निकालना है वहां शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा, तो शेषफल प्रमेय से
शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस ए से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल क्या होगा, पी ए, पी ए एक्स के बाद माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा, कैसे होगा समझाया जा चुका है। पी ए बराबर, अब जहां जहां एक्स है वो सारा एक्स अब क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, एक्स क्यूब है तो ए क्यूब हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा जो सिक्स गुना ए हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा बराबर ए क्यूब, ए गुना ए स्क्वायर अपनाते हैं का पावर यहाँ एक है गुना का चिन्ह है आधार समान है तो पावर को जोड़ते हैं एक का पावर तीन जो छ माइनस ए, एक का पावर तीन प्लस एक का पावर तीन माइनस ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस कट गया छ माइनस ए कितना हो गया पांच, यही आंसर हो गया यही शेषफल हो गया। आप इस तरह से इन प्रश्नों को बना सकते हैं, प्रश्नों को आप बना लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।